हरी हरी बोल एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है, मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ और आज मेरे साथ मेरी डॉटर नियति भी है। हरी बोल फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बात 2017 दिसंबर की है, जब हम अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए सिंगापुर गए हुए थे। वहां पर हम अलग अलग वहां की जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे। एक दिन हम वहां पर सेंटोसा आइलैंड जो है वो घूमने के लिए गए, और जब हम वापिस आ रहे थे अपने होटल में जहाँ हम रुके हुए थे, तो हमने वहां पर जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना, वहां से मेट्रो जो है वो पकड़नी थी। हम पूरी फैमिली थी तो हमने मेट्रो पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स ली और हम बेसमेंट में चले गए। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हमारी डेस्टिनेशन वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। तो हम गए, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई तो ट्रेन मेट्रो के अंदर चले गए, पर जैसे ही हम जाने लगे, मैं और मेरी मम्मा, तो जो मेट्रो का दरवाज़ा था वो बंद हो गया। वैसे तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं थी, पर जैसे ही वो ग्लास लॉक हुआ, हम लोग बाहर रह गए। हमने देखा कि मेट्रो उसी समय चल पड़ी, और मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे को वहां जाते हुए देखा। उस समय फ्रेंड्स ना तो मेरे पास मोबाइल था, ना कोई पैसे थे, और ना ही ई टिकट्स थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना बैग जो है वो अपने बेटे को दिया था। अब मैं और मेरी बेटी प्लेटफॉर्म पर अकेले रह गए थे। ईश्वर की कृपा से हमने वहां बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया। मैंने और मेरी बेटी ने आपस में डिस्कशन की कि हमें यही बैठकर भगवान का नाम जो है उसको चैंट करना चाहिए। तो हम वहीं साइड पर बैठ गए और हमने भगवान का नाम जो है उसको जपना जो है वो शुरू कर दिया। 10 ही मिनट में हमने देखा कि सामने से एक मेट्रो आई है, उसमें से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो बाहर निकल के आए हैं। उन दोनों को देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। हम सब ने मिलकर उस समय भगवान का नाम चैंट किया और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो दिया। फ्रेंड्स, इससे हमें काफ़ी सारी लर्निंग्स भी मिलती हैं। जैसे जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तब हमें अपना पासपोर्ट, टिकट्स, बैग्स अपने पास रखने चाहिए। और इस डिवाइन एक्सपीरियंस से मैंने समझा कि भगवान हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। कितनी भी डिफिकल्ट परिस्थिति क्यों ना हो, भगवान जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। जय श्री कृष्णा।